चित्तौड़ की रानी से पहले मैंने एपिसोडिक भी दो तीन शो किए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, तो वो बताने लायक भी नहीं है। और उसके बाद जो मेन प्रॉपर और लीड का रोल था, वो चित्तौड़ की रानी का था, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर। वो शो एक्चुअली नितिन देसाई, जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के आर्ट डायरेक्टर, वो उसके प्रोड्यूसर हैं, और जो उनके प्रोजेक्ट हेड थे वो मुझे जानते थे। और चूंकि ऐतिहासिक शो था, हिस्टोरिकल था, उसमें तलफ्फुज़ और ज़ुबान बहुत क्लियर होनी चाहिए, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड थिएटर करने की वजह से और नॉर्थ का होने की वजह से मेरी ज़ुबान, मुझे लगता है, क्लियर है, अच्छी है। तो उन्होंने एक अपने ऑफिस में ऐसे ही बोला कि ये तू स्क्रिप्ट पढ़ दे ज़रा। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो वो बड़े अवाक रह गए, बोले संडे हम तुम्हारा ऑडिशन कर रहे हैं। तो ऑडिशन पे जब गया तो मैंने जब बोलना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि लो शॉर्ट्स भी चलाओ। लकली मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, तो जब तलवारबाजी उन्होंने चेक नहीं, तो वो मेरे मार्शल आर्ट का पार्ट था, मैंने वो भी कर दिया। टीनू वर्मा जी से मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी थी यूं ही, उन्होंने बोला घोड़ा चीज चलाना पड़ेगा इसमें, बिकॉज ये रोल ऐसा है आपका, घोड़ा चलाना आता है। मैंने बोला जी घोड़ा मंगाइए, घोड़ा मंगाया, और मैंने जो एड़ लगाई और जो भागना शुरू किया, तो बोले ये मेरा चेतन राघव है। उन्होंने वही लोकेशन पे डिसाइड किया, और फिर इस तरह से चेतन राघव के रूप में मैं लोगों के सामने था, और जो बहुत अप्रिशिएट हुआ, जो बहुत पसंद किया गया। अनफॉर्चुनेटली वो शो चूँकि हिस्टोरिकल था, उसकी अपनी लिमिटेशंस थी, 104 एपिसोड में वो ख़त्म होना था, इसलिए वो उसका एग्रीमेंट भी शायद प्रोड्यूसर का उसी तरह से था, तो वो अपने टाइम पे ख़त्म हो गया। बहुत सारे रोल ऐसे हैं, मुझे आमिर खान के कुछ रोल बहुत पसंद हैं जो उन्होंने किए हैं, सरफरोश में, गजनी में। मुझे अक्षय कुमार जी के कुछ रोल बहुत पसंद है जो उन्होंने हेरा फेरी में किया है, उस तरह का कॉमिक रोल बहुत पसंद है, मैं करना चाहूँगा। मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ, मतलब कोई उसमें एक पर्टिकुलर, जैसा अजय देवगन जी ने सिंघम में किया है वैसा रोल करना चाहूँगा, सीरियस काइंड ऑफ रोल। तो एक्टर हूँ यार, सब करना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत ग्रीडी हूँ, बहुत लालची हूँ।